नायब तहसीलदार के पद पर चयन होने के बाद पोहरी पहुंचे पीयूष जैन, नगरवासियों ने जमकर किया स्वागत। पोहरी निवासी पीयूष जैन का अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 के घोषित परिणाम में 72वीं रैंक हासिल कर नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। चयन होने के बाद शुक्रवार को पीयूष जैन का पोहरी में प्रथम पार आगमन हुआ है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिक सहित समाज सेवियों द्वारा आतिशी स्वागत सत्कार किया, जहाँ मुख्य चौराहे पर वार्ड पार्षद अमित शर्मा, नीतू बोहरे ने आतिश बाजी चलाकर पुष्पमाला पहनाई एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वहीं नगर में कई जगह लोगों ने स्वागत सत्कार किया। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं पीयूष जैन, जो हाल ही में एमपीपीएस में 73वीं रैंक लाकर नायब तहसीलदार बने। पीयूष की बात की जाए तो अभी वो सिवनी में योजना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और पहली जो प्रयास में उनको सफलता मिली एमपीपीएस में, तो आप बताएंगे आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे हुई? मेरी जर्नी देखा जाए तो मैं अपना 12th का शांतिनिकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात मैंने अपनी बीए एलएलबी भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से की है। उसके पश्चात मैं तैयारी करता था और 2022 में से मैं सिवनी जिले में योजना अधिकारी के रूप में, योजना क्रियान्वयन अधिकारी के रूप में सेवाएँ दे रहा हूँ। पीयूष, बात की जाए तो जो एमबीपीएस है, आपने पहली जो प्रयास है उसमें सफलता हासिल की, किसका प्रयास लगा आपको, किसके सोच के बदले के पहली प्रयास में आपने परीक्षा सफलता की? इस प्रयास की सफलता का सिर्फ पूरी तरह से अपने स्कूल के गुरुजन से लेके कोचिंग और अपने कॉलेज के सभी गुरुजनों को देना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरे जो भी मित्रगण स्कूल कॉलेज एवं अभी वर्तमान तक जो मित्रगण हैं, उसके अलावा मैं अपने सिवनी कलेक्टर राहुल हरिदास फटिंग और चित्ती सिंगल सर के भी जो मेरे को निर्देशन मिला, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है यहाँ तक पहुँचने में। आपने अभी तो छोटी सी उम्र है, आगे और भी प्रयास है। 2020 में भी आपने एमबीपीएस की परीक्षा दी तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आगे आपकी और क्या है जो नायब तहसीलदार के बाद और आगे क्या आपके प्रयास है, क्या बन? मेरे 21 और 22 अभी पेंडिंग है, तो मैं उसमें मतलब डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास करता हूँ। तो हमारे साथ थे पीयूष जैन, जो पोहरी निवासी हैं, बीरेंद्र कुमार जी जैन के सुपुत्र हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात हुई और वो पहले जो प्रयास है उसमें नायब तहसीलदार बने। धन्यवाद।